छात्राओं, आज हम शुक्र के का राजनीति शास्त्र को क्या योगदान है, क्या महत्वपूर्ण देन है, इसका अध्ययन करेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र मनु की मनुस्मृति के बाद शुक्र नीति सारी प्राचीन भारतीय साहित्य में राजनीति शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। शुक्र नीति सार में राज्य और उसकी गतिविधियाँ, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था तथा उसके कार्यक्रम को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया है। शुक्र ने राज्य के सभी शुक्र ने जो महत्वपूर्ण देन है वो निम्नलिखित है। पहला, शासक की सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण। शुक्र नीति में शासक को देवत्व जैसी सम्मानपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है, परंतु किसी भी स्तर पर शासक निरंकुश और अमर्यादित शक्तियों का समर्थन नहीं किया है। शासक पर न केवल धार्मिक और नैतिक नियंत्रण वरन लौकिक जीवन के ऐसे नियंत्रण स्थापित किए गए हैं कि किसी भी स्थिति में शासक द्वारा अमर्यादित आचरण का मार्ग नहीं अपनाया जा सके। वह सत्ता के दुरुपयोग पर नरक का भागी होने की बात ही नहीं करता, वरन अत्यंत महत्वपूर्ण शब्दों में सत्ता के दुरुपयोग के लौकिक दुष्परिणामों की भी चेतावनी देता है। अतः शासक को अपनी आलोचना के प्रति सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने तथा आरोपता को समझने और उस पर ध्यान देने का परामर्श देता है। शुक्र नीति का मूल मंत्र क्या है कि राजा को प्राप्त सत्ता एक प्रकार की धरोहर है जिसका प्रयोग प्रजा के हित में किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में जनता का ये कर्तव्य माना है कि वह नीति और धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले राजा को निरंतर भयभीत रखने का प्रयत्न करे तथा यदि अब भी शासक धर्म विरुद्ध आचरण के मार्ग से नहीं हटता तो उसे पदच्युत कर दे। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन। शुक्र ने राज्य के कार्यक्षेत्र को अति व्यापक माना है। प्रजाजन की रक्षा और भौतिक उन्नति के अतिरिक्त सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। उसने राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह कौटिल्य और मनु के विवरणों की तुलना में अधिक व्यापकता लिए हुए है। दीन और असहाय की रक्षा की परंपरागत बात के साथ साथ राज्य को आर्थिक गतिविधियों का नियमन एवं प्रबंध करने के लिए कहा गया है और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पर्यावरण की रक्षा को राज्य का महत्वपूर्ण दायित्व मानते हुए इस कार्य करने के उपाय बतलाए गए हैं। उसने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर भी बल दिया है। इन सब के अतिरिक्त उसने मद्यपान और जुआ को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नेक्स्ट, राज्य और राष्ट्र के बीच भेद का प्रतिपादन। ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है जो हमारे छोटे क्वेश्चन के आंसर में भी आता है कि राज्य और राष्ट्र के बीच क्या अंतर है। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतकों में केवल शुक्र ऐसा विचारक था जिसने राज्य और राष्ट्र के बीच भेद किया है और किसी भी राष्ट्र को संप्रभु सत्ता मिल जाने पर उसे राज्य का रूप प्राप्त हो जाता है। तो ये इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर करना। नेक्स्ट है, शासन के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों की वैज्ञानिक विवेचना। शुक्र ने शासन के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों की जैसी वैज्ञानिक और व्यवस्थित विवेचना प्रस्तुत की है। वे आधुनिक अध्ययनकर्ताओं के लिए भी एक उदाहरण है। उसे राज्य कर्मचारियों के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की है। राज्य कर्मचारियों के लिए वेतन, वेतनमान, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, बोनस, ग्रेजुटी, भविष्य निधि, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अवकाश आदि विषयों पर विशद प्रकाश डाला है। कोई भी अन्य प्राचीन विचारक कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर ऐसी वैज्ञानिकता से विचार नहीं कर पाया। शुक्र ने न्याय प्रणाली के विभिन्न पक्षों के संबंध में भी स्पष्ट नियमों का प्रतिपादन कर एक व्यवस्थित न्यायिक दर्शन भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट हमारा आता है परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की विवेचना। शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की स्पष्ट विशद विवेचना भी प्रस्तुत की है। उसने न केवल षाड्गुणी नीति के उपाय वरन दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सैन्य बल, युद्ध आदि के संबंध में पर्याप्त विस्तार के साथ विचार व्यक्त किए हैं। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में शुक्र नीति संभवतः एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें युद्ध को परिभाषित करने का प्रयत्न किया गया है। विजित राजा के प्रति व्यवहार और विजित राज्य की व्यवस्था के संबंध में शुक्र की विवेचना उसकी दूरदर्शिता को स्पष्ट करती है। तो परराष्ट्र संबंध में भी उसने जो अपनी नीतियाँ दी हैं वो भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादक। किसे प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादक है कि मूल रूप में मनु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था को अपनाते हुए भी शुक्र ने उसमें अधिक मानवीय, अधिक प्रगतिशील, यथार्थवादी, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है। मनु ने के संबंध में विचार यही बन पाता है कि उसने वर्ण का आधार जन्म को ही माना है, किंतु शुक्र का क्या विचार है? मूलतः वर्ण का आधार जन्म होते हुए भी कर्म के आधार पर किसी विशेष वर्ण की सत्ता प्राप्त की जा सकती है। उसका यह भी मत है कि यदि किसी वर्ण के सदस्य द्वारा भरण पोषण के लिए अपने वर्ण के लिए निश्चित वृत्ति से हटकर कोई वृत्ति अपनाई जाए तो उसे निंदनीय नहीं समझा जाना चाहिए।
वर्ण व्यवस्था के संबंध में शुक्र का ये मत उस काल में प्रचलित कट्टर मत से स्वरता भिन्न है, अतः स्पष्ट और निश्चित रूप से उसके प्रगतिशील दृष्टिकोण का सूचक है। तो शुक्र की जो महत्वपूर्ण देन है, शासक की सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण, राज्य राष्ट्र के बीच प्रतिपादन, शासन के संगठन पर कृत पक्षों की विवेचना, पर राष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक व्यवहार पक्षों की विवेचना, प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था का प्रतिपादक, एक और महत्वपूर्ण योगदान है लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन, कि शुक्र राज्य के कार्य क्षेत्र को अति आवश्यक माना है और प्रजा की रक्षा और भौतिक उन्नति के अतिरिक्त सामाजिक जीवन का उचित निर्वाह और नैतिक कल्याण भी राज्य का दायित्व है। उसे राज्य की कल्याणकारी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया है। दीन और असहाय की रक्षा परंपरागत के साथ राज्य आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंध करने के लिए भी कहा गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण की रक्षा की भी बात करी है उसने, तो ये हमारा है। और शुक्र ने राज्य के शैक्षणिक कर्तव्य भी निर्धारित किए हैं। शुक्र ने करारोपण के संबंध भी सिद्धांत और विचार प्रतिपादित किए हैं। इसीलिए ग्रीन ने कहा है कि नैतिक जीवन की मार्ग की बाधाओं को बाधित करने का नाम दिया जा सकता है। इस प्रसंग में ग्रीन ने क्या संकेत दिए हैं, टीएचडी भाषा में नैतिक जीवन के मार्ग की बाधाओं को बाधित करने का नाम दिया जा सकता है, यानी उनका इतना योगदान है लोक कल्याणकारी राज्य के संबंध में भी। थैंक्स।